ऑल राइट, वेलकम बैक अगेन। तो आज फिर से हम नया हॉरर गेम खेलने वाले जिसका नाम है स्नो। तो आप सोच रहे हो इसमें हॉरर क्या है, वो आपको वीडियो में आगे पता चली जाएगा यार, इसलिए वीडियो को पूरा देख लो यार। और अभी बिना से टाइम वेस्ट के लेट्स गो। ऑल राइट, तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि हम किसी के अपार्टमेंट में रहते हैं, पता नहीं कुछ फ्रेंड वेंड के अपार्टमेंट पे हैं, और यहाँ पे हमें कुछ रिचुअल करनी पड़ती, मतलब रिचुअल करनी है भूत को बुलाने के लिए। पता नहीं क्यों, बेसिकली हम खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। वैसे तो बहुत बढ़िया अपार्टमेंट है इसका, एक्सप्लोर भी करेंगे यार। उससे पहले यहाँ पे एक बुक है, पता चल जाएगा अपने को। तो है देयर, थैंक्स फॉर स्टेइंग इन माय अपार्टमेंट, आई होप यू एंजॉय योर टाइम हियर। सैडली देयर इज अ रियली बैड स्नो स्टॉर्म गोइंग ऑन आउटसाइड, यू विल हैव टू स्टे लॉक्ड इन, बट डोंट वरी, इट विल बी फाइन। हाउ अबाउट योर फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द अपार्टमेंट, गो इनसाइड एवरी रूम एंड ऑल्सो चेक आउट लिविंग रूम, डाइनिंग टेबल, किचन, प्लेस इज वंडरफुल। ओके जी, ऐसे इधर तो कुछ दिखा नहीं है, कौन है ये, किसका अपार्टमेंट है, किसी का भी हो शायद से। हमें क्या करना है, हमें बस एक्सप्लोर करना है। वाह यार, वैसे रूम बहुत बढ़िया है। ये कौन सा दरवाजा है? ओह, ये तो एक स्टोर रूम जैसा है, अपने बैग है। दे इज नॉर्मल लगे जो समवन एल्स यार रिसेंट। ओह माय गॉड, कौन था भाई इधर? मुझे लगा अपना ही लगेज, लेकिन अपना लगेज नहीं है। इधर कुछ है, पता नहीं फ्रेंड का अपार्टमेंट है या फिर किसका अपार्टमेंट, पता नहीं। बाहर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। वैसे तो बहुत सारे दरवाजे, ओपन डोर यार, ओपन ओपन। ये स्विच है, वाओ स्विच का भी एक्सेस दिया है, वेरी गुड। फिलहाल तो लाइट सारे चालू रखो यार। भाई पेंटिंग भी है, बहुत बढ़िया अपार्टमेंट है यार। ये कौन सा दरवाजा है? ओपन। ओ बाथरूम भाई, यार बाथटब भी है भाई। जिसका भी अपार्टमेंट है बहुत अमीर है शायद से। मिरर मिरर लगे पड़े, वेरी गुड। और एक दरवाजा है, ओके ओपन। ओह भाई गॉड, ये तो एक ऑफिस है ना। हाँ ऑफिस टेबल भी इधर। भाई कितना बड़ा अपार्टमेंट है ये, इधर भी खुद के लिए। वाह इधर, ओ जकूजी भी है भाई। भाई सब जगह बाथरूम तो है भाई, हर जगह बाथरूम है, अच्छी बात है। एसी भी लगा पड़ा है, ओपन कर लो ओपन, आज पूरा एक्सप्लोर कर। अरे ओपन कर ले यार। ओके वॉशिंग मशीन है इधर, ड्रायर भी रखा पड़ा है, अच्छी बात है। बाहर चलते हैं अभी। ओ भाई गॉड, क्या हॉल है भाई ये। इधर डाइनिंग टेबल है, ओके इधर हॉल है भाई। एरिया तो भाई बहुत मस्त है, किचन भी है भाई, बताओ मस्त किचन बड़ा। ओ डे टू हो गई, डे वन खत्म हो गया, मतलब वो डे वन था, डे टू। ओके हम उठ रहे, हम सो गए थे, और हमेशा की तरह बाहर स्नो गिरी पड़ी है। हो गई तो फिर से नहीं है। ओके, डू यर दोज फ्रीक्वेंसीज इमिटिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स, टर्न ऑन ऑल इलेक्ट्रॉनिक अपार्टमेंट, मेक श्योर ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स आर इमिटेड फ्रीक्वेंसी फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड, इट इज़ वेरी वेरी क्या रिज्यूमिनेटिंग भाई, पता नहीं कभी कभी क्या क्या शब्द है। ठीक है ठीक है, तो हमें सारे जो फ्रिक्वेंसी, मतलब जितने भी फ्रिक्वेंसी इमिट करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स है सारे टर्न ऑन करना है। टी वी भी टर्न ऑन करना है, टी वी भी शायद से हाँ फ्रिक्वेंसी इमिट करता है ना। अलार्म भी शायद से करें। ओहो बाहर चलते भाई, बाहर भी बहुत सारी चीजें हैं ना। ओके और कौन सी इधर चीजें हैं? हाँ इधर रेडियो भी तो पड़ा है, इधर उसको भी टर्न ऑन कर ले। ये कुछ ऑन होगा नहीं, कॉफी मशीन कौन सी फ्रीक्वेंसी करती है यार, कॉफी मशीन थोड़ी ना। वैसे तो ऑन भी करता है ना शायद से। ये कौन सा, इस तो लाइट का स्विच, ऑन कर ले भाई, अभी डार्क कुछ नहीं, अभी नहीं। ये भी लाइट का ही है। रेफ्रिजरेटर विल गेटिंग सम बियर लेटर ऑन, एंजॉय माय सेल्फ विद द स्नो स्टॉर्म। ओह ठीक है, इधर कुछ है, ये शायद से बाहर जाने का रास्ता है। डोर वोन बाय, ओके ठीक है, लाइट ऑन रहने दो भाई। ये शायद से मेरा लगेज है या
अरे इधर और एक टीवी है ना, मस्त एलईडी टीवी इधर बड़ा सा। ये रिमोट है और कौन सी चीज़ है? नहीं, ये तो लाइट का है भाई। खुद का बार भी इधर मस्त सा। स्नो बार का। ओके ओके ठीक है, बाहर नहीं जाना है अपने को, बहुत स्नो है। बस ना इतना ही चीज़ है ना। ये क्या है? क्लोजी फुल क्लीनिंग टूल रोड। ओके इधर कुछ होगा। अरे हाँ इधर भी तो टेलीफोन है, टेलीफोन भी तो फ्रिक्वेंसी मीट करता है ना। सारी चीज़ें ऑन ऑन करनी है। इधर कुछ है? एसी तो वैसे पहले से ऑन है। हो गया Day 3, मतलब Day 2 में हमने सारी जो फ्रीक्वेंसी इमिट करने वाली चीज़ें सारे ऑन कर लिए। एक तरह से हम रिचुअली परफॉर्म कर रहे हैं यार। पता नहीं क्यों, लेकिन अभी आगे इस बुक में दिया गया होगा। यप, नाउ दैट यू हैव एक्सपीरियंस द फ्रीक्वेंसीज, फॉलो द नेक्स्ट स्टेप टू बिकम वन विद देम। भाई क्या, कौन सा वन है पता नहीं। टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स इन अपार्टमेंट। आ गए ना इस पे ही है, लगा ही था। हेड टू द लिविंग रूम एंड टर्न ऑन द टीवी, देन स्टेयर एट टू बिगेन द प्रोसेस। दिस विल ओनली वर्क इट ऑफ ऑल द लाइट ऑल टर्न ऑफ द अपार्टमेंट मस्ट बी पिच ब्लैक, डोंट बी स्केयर, ट्रस्ट द प्रोसेस। हाँ, इसमें स्केयर क्या करना है? हालांकि सारी चीज़ें हमें ऑफ करनी है। बताओ यार, पहले सबसे पहले इधर इस रूम से शुरुआत करते हैं। और इसका भी टीवी ऑन करना है क्या? लगता तो ऐसा ही है, लगता तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। ठीक है ठीक है, तो इसका लाइट शायद से ये है ना, पूरा पिच ब्लैक होना चाहिए। वाह, सारे लाइट ऑफ करो। या हम बेसिकली अभी पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले, भूत को बुला के पता नहीं क्यों। सारे लाइट्स ऑफ करो। अबे ये भी तो लाइट ऑफ होनी चाहिए ना यार। इसका स्विच किधर है? ओ इधर है, इधर है। ओके ओके वही मैं सोची इसका स्विच किधर है। नहीं वो तो बाहर का है। इसका स्विच किधर है भाई? अच्छा उधर ही है, तो मैं वही तो मैं बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ, उधर तो पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। ओ अपने पास फ्लैशलाइट भी है, ये मैंने अभी देखा, राइट क्लिक किया तो। चला पहले फ्लैशलाइट ऑन कर ले यार। इस लाइट को भी शायद से ऑफ ही करना होगा अपने को। ओके इसका स्विच इधर है। ओके बस अभी किचन की लाइट्स बची है, वो भी ऑफ कर लेते हैं। बंद हो जा। कौन सी लाइट बची है? ये वाली। सारे लाइट ऑफ होगी। ये वाली लाइट कैसे ऑफ करते हैं? उसका लाइट तो मेरे को मिला भी नहीं, ये तो फ्रिज का लाइट है। ये भी बाहर का लाइट है, पता नहीं। नहीं वो लाइट जब तक ऑफ नहीं करेंगे तो शायद से होगा नहीं। हाँ इधर है, वही मैं सोची। ऑफ हो गया साहब, पूरा डार्कनेस हो गया। बताओ। ओके पूरा नहीं हुआ, ये लाइट ही बची है बस। पूरा अंधेरा करना भाई अपने को। लेकिन इसका स्विच किधर है? ओ इधर है। स्विच भी वो दूसरा कलर का करना चाहिए ना यार, पता नहीं चलता फिर। अभी क्या टीवी को स्टेयर करना है ना? वैसे उसने कौन से टीवी को बोला था यार? कुछ हो तो नहीं रहा। ओ भाई पूरा पिच ब्लैक शायद से। अरे हाँ अपने को शायद से ये वाला लाइट भी तो बंद करना था। और क्या बोला था? टर्न ऑन द टीवी लिविंग रूम। अच्छा जरूर दे टू द लिविंग। ओके ओके अपने को लिविंग रूम का ही टीवी बंद करना है। ओके मतलब लिविंग रूम का टीवी के सामने अपनों को रहने का। ओके ठीक है, तो वही करते हैं यार।
अब क्या क्या होने वाला है भाई, एकदम से कुछ अचानक से कुछ पिक्चर आने वाला है क्या? तो अपने पीछे कुछ है कोई नहीं है ना, ऐसा तो क्या ही डरना है भूत से। जो सारे लाइट मैंने ऑफ कर दिया ना, बाथरूम के लाइट्स भी शायद से ऑफ करने देंगे। ओके शायद से बाथरूम के लाइट्स भी ऑफ करने दे। ओ शायद से मैं इस वाले रूम के लाइट्स मैंने ऑफ किया था क्या? नहीं यार तभी वर्क नहीं कर रहा है। इसके भी रूम इधर भी शायद से ऑफ करना होगा। और इधर है बटन शायद से, यस अब शायद से वर्क करे। ओ भाई अबे ये कौन है, कौन सी भूतनी है ये क्या? तू बाहर आने वाली है? नहीं Day 4। ओके जी तो आगे बढ़ रहे, 3 दिन हम इस घर में बिता रहे और हम रिचुअल परफॉर्म कर ही रहे थे। ये कैसा दरवाजा ओपन हो गया? ओ माय गॉड गूज़बम्स आ गए। कौन है अपने रूम में? अब क्या करने का है, बुक में लिखा ही होगा। यू आर डूइंग गुड, ओके फ्रेंड विल बी कॉलिंग इन द कपल ऑफ मिनट, मेक श्योर यू पिकअप द फोन इन द स्टडी रूम एंड लिसन केयरफुली, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम टिल शी विजिट। ओ माई गॉड स्टडी रूम में तो शायद से इधर ही है ना। हाँ फोन शायद से बज रहा है, यही है। फोन बजना चाहिए ना। कुछ तो आवाज तो आ रहा है वैसे। ओ भाई साहब, ओ ले भाई अपने पास फ्लैश लाइट हो तो कितना भी डार्क कर ले अपने पास। ओ फोन आ रहा हो, क्यों क्यों क्या? एक तरह से हम रिचुअली तो परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने पहले बोला था स्टार्टिंग में। आ रहा हूँ भाई, उठा रहा हूँ उठा रहा हूँ उठा रहा हूँ। हाँ क्या क्या अबे घूर, ये क्या आवाज कर रहा है? घूरना घूर रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं, क्या कर रहा है ये? ऑफ तो नहीं कर रहे सकते भाई, टर्न ऑफ फोन कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके Day 5, पता नहीं कितने दिन हम इस घर में बिताने हैं यार। Day 5 अभी एक्चुअली थोड़ा लाइटली डर लग रहा है, पता नहीं फिर भी क्या डर। वो ए यानी कि भूत अभी इस घर में आ चुके हैं राइट? हाँ वो Day 4 से ही आना शुरू कर दिया था ना, अब जो Day 5 है। ओके लाइट बेटर जला सकते हैं। ओके हाँ यस। ओ भूतनी कैसे हो? ले भाई भूतनी मैं तेरे मजे ले रहा हूँ। अब क्या करने का है? अरे चल देर इज अ 3 थिंग यू डोंट बिलोंग टू योर अपार्टमेंट, सर्च तो एंड ट्राई टर्निंग देम ऑन, शी इज गेटिंग क्लोजर, कैन यू फील हर? हाँ हाँ फील तो कर सकते, लेकिन कौन सी 3 थिंग जो डोंट बिलोंग इन अपार्टमेंट, सर्च थ्रू। ओके मतलब इस अपार्टमेंट की नहीं है। ओ मिल गया। अबे क्या आवाज कर रहा है, मुझे लगा पीछे कोई है। वेयर डिड दिस कम फ्रॉम? अभी इसको क्या ऑन करना है? कैसे ऑन करूँ? सर्च तो मैंने किया है, लाइट नहीं जला सकते क्या ना? अबे वो आ गई है भूतनी। अबे भूतनी तुझसे मिलने आ रहा हूँ, इधर है तू? इतना डार्क, ये तो इसका ही था, इस घर का ही था। फ्रिज है इधर, अबे ये चेयर ऊपर कैसे लटक गई? अबे यार क्या हो रहा है पता नहीं।
ऐसे अभी तक एक ही चीज मिली है, लेकिन वो ऑन हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये देख इधर भी भूतनी है। ओ एक बॉक्स है। ओके वेयर डज दिस कम फ्रॉम। अबे यार क्या आवाज कर रहा है यार ये तो। हाँ वो बालकनी का रास्ता है। दो चीज अपने को मिल चुका है, लेकिन अभी तक तीसरी पता नहीं कौन सी चीज है। एक शायद, ओ इधर मैं शायद से भूल गया, देखना इधर ही कुछ होगा। ओ यस यस फाइनली डे सिक्स। अभी सारी चीजें अभी क्रिपी होना शुरू हो चुका है। ओ हो गया, अपने आप टीवी चालू हो गया। वो तो होता ही है, भूत होने के बाद होता है। ओ भाई साहब, पिछली बार भूत दिख रहा था इस टीवी के अंदर, अभी नहीं है। मतलब अभी शायद से, वैसे लाइट ऑन हुई, अच्छी बात है। भूत शायद से आ चुका है, पता नहीं बुक में क्या अभी क्या। अभी अगला इंस्ट्रक्शन इज लिंगरिंग, माई आईज शी टुक देम। हाँ माई आईज शी टुक देम, शी डजंट लाइक टू बी लुक एट फॉर लॉन्ग। माई आईज आर समवन इन समवेयर इन द हाउस, बट डोंट लेट हर गेट क्लोज। भाई अभी आग ढूंढनी है अपने को, सीरियसली ढूंढो भाई ढूंढो आग, पता नहीं कहाँ मिलेगा। ओपन यार, आग को ढूंढना है। ऐसे एक भूतनी की आग है ये, भूतनी जी आप यहाँ तो नहीं हो ना, मैं तब तक तो आपकी आग ढूंढ रहा हूँ। ऐसे ऐसे तो पड़ी नहीं होगी। ओ माय गॉड ये क्या है? अरे भाई ये क्या हो रहा है? गायब हो गई टीवी, यहाँ पे गिरा है, मतलब इधर से आ चुकी है भाई वो। अभी इसकी उफ, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? भूतनी, इसकी आग ढूंढू या भूतनी को ढूंढू? ओ थैंक यू सो मच। वैसे तू इधर तो नहीं है ना, बाथरूम में है क्या? डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूं ना मैं तुम्हें को? वो मुझे ढूंढ रही है। अभी इसकी आग कहाँ ढूंढू मैं? इधर है क्या? अबे पता नहीं कहाँ कहाँ पे ये। ओ भाई साहब अबे तो पागल हो गई है। लॉन्ग ए, मैं क्या इसके आर पार जा सकता हूँ क्या? ये शायद से पकड़ नहीं रही है, पता नहीं क्यों। ये बस अपने को डराने की कोशिश कर रही है, बस उतना ही। मतलब मार सकती है नहीं, पता नहीं। बस आग ढूंढ रहा हूँ मैं। वही क्या, किचन में आग पड़ी है क्या? ओ आग मिल गई, उठा ले ना भाई उठा ले। अभी दूसरी आग ढूंढनी है राइट। एक आग तो इधर मिल गई, आ जा भूतनी। तेरे को क्या लाइट की वजह से पता चल रहा है क्या? ओ भाई वे दूसरी आग कहाँ पे मिलेगी? कौन सी जगह बच्चे मेरे को देखनी पड़ेगी? यह क्यों उसके सामने चला गया? शायद से फिर से मेरे को करना पड़ेगा, यही करना है क्या? हाँ वही करना है। ठीक है एक आग तो अपने को किचन में मिली थी। अरे भाई मतलब ये तो पता चल गया मेरे को कि उसके सामने तो नहीं जाना है, वो पकड़ लेगी। तो एक आग तो पहले उठा लेते, किचन में ही थी। इधर किधर है क्या ये भाई? अबे
अबे तू मेरे पीछे पड़ी है, ये तो अबे ये तो मेरे पीछे ही पड़ी है, गायब हो गई। मतलब रैंडमली कहाँ से भी आ जाती है, फिलहाल तो आग उठा ले। अब कहाँ कौन सी जगह पे मिलेगी पता नहीं। तू इस दरवाजे का क्यों मजा ले रही है? ओ दरवाजा बंद कर ले पहले तो। अबे यार पता नहीं मेरे पीछे ही पड़ी है, अब इधर आके क्या। ओ मिल गई, अब क्या करने का है? हो गया। ओह माय गॉड, अब डे 7। ओके चलो, कितने दिन है मुझे भी पता नहीं, अभी फिलहाल 7 दिन। ओके एक्चुअली थोड़ा स्केरी तो था, मतलब पीछे पड़ रही पता नहीं गायब हो जाती है, अब क्या करने का है। ओ भाई इसे टीवी को ऑन कर सकते क्या? कौन है जो टक टक कर रहा है? ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है मुझे इधर ही जाना पड़ेगा क्योंकि कोई चांस नहीं मेरे पास। चलो चलते भाई। ओ भाई घुस बम्स आ रहे हैं, क्या होने वाला है? मैं भूतनी के पास जा रहा हूँ, मेरे पीछे तो नहीं आ रही है? अरे ये क्या हो रहा है? डे 7 नहीं, यानी कि मुझे उधर ही जाना है लेकिन भागना है, राइट? ये करना है मेरे को। फोन हो गया, लेट्स गो। भाग नहीं सकता क्या? प्रिंट नहीं कर सकता क्या मैं? पता नहीं कौन सा दबाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। ये भाई भागो। अच्छा कुछ ऐसे पीछे पड़ती है अपने को। हो गया ठीक है, सीधा भागो। स्प्रिंट नहीं कर सकता क्या? अबे क्या मैं आगे पीछे ही कर रहा हूँ मैं कब से? अभी तो आगे आएगी मुझे पता है, ऐसा मेरे को लग रहा है। ऐसे आगे सीढ़िया है, वाह। मैं भी पीछे नहीं देखने वाला हूँ, सीधा भाग लो। है क्या? अबे मैं नहीं जा पा रहा हूँ, अबे रास्ता भी नहीं है। अबे कौन से कब्र में, अपार्टमेंट में है यार? कौन से कब्र में ये, मतलब कौन से जगह पे अपार्टमेंट है? पता नहीं कहाँ पे जा रहा हूँ मैं अभी। अबे ये उधर ही खड़ी है, उधर ही जाना है क्या? ओ शिट, अबे ओपन हो जा, ओपन हो जा। ऐसे पीछे नहीं पड़ रही, मतलब मुझे को उधर ही जाना है। इतना तो मैं इस गेम से पता चल जाओ मेरे को। अबे फिर से गायब हो जाएगी ये? अरे यार मूड ही रहा था यार, ऐसे हो गया। मतलब यही करना था क्या? ओ यस। अरे नहीं अबे इस गेम का शायद से कॉन्सेप्ट ये था कि अपने को ये कर क्या रही है, अबे क्या चुम्मा दे रही है क्या भूत के साथ हनीमून मनाने है क्या अपने को? क्या बोल रहा हूँ मैं, खत्म। अबे गेम भी क्रैश हो गई, वो खत्म हो गई क्या? पता नहीं, वैसे गेम तो क्रैश हो गई। ऑल राइट, तो शायद से वीडियो गेम शायद से खत्म हो गई पता नहीं, क्योंकि गेम तो अभी उसी मोमेंट पे ही क्रैश हो गई तो पता भी नहीं है। लेकिन लास्ट में पता नहीं क्या हो गया था यार, भूत के साथ क्या हनीमून मनानी थी क्या, इस वजह से हमने भूत को बुलाया। तो ठीक है यार, अभी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार, इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। तो बिना अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।